पांडे होप ऑल यू आर डूइंग वेल तो जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं ये क्या है ये कुछ आपको ऐसा लग रहा होगा कि जब आप एग्जाम में लास्ट के 10-15 मिनट रह जाते हो मैम हमारी आंसर शीट खींचने वाले होते हैं तब तो हम ऐसी राइटिंग लिखते हैं पर असल में विल है एल्फर्ड नोबल की तो जैसे कल संडे था मैंने डिसाइड किया था कि एवरी संडे मैं एक प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी की बायोग्राफी लेके आऊंगा तो कल मैंने एल्फर्ड नोबल की बायोग्राफी कवर की थी जिससे उनके बॉन्स तक सारी अलग अलग सर्कमस्टांस जो रहे हैं वो कवर किए थे उनके तो लाइफ के तो अब अल्फर्ड नोबल वह परसेंटेज के नाम पर नोबल ना प्राइज मिला था और वो क्यों मिला था सबसे पहले थोड़ी बहुत स्टोरी में आपको इस वीडियो में बता देता तो, हूँ कि अल्फर्ड नोबल जब मतलब मोर देन थ्री फिफ्टीज इन्वेंशन की थी तो उनमें से एक इन्वेंशन जो उनकी बहुत प्रोमिनेंट रही थी वो थी डायनामाइट तो जब डायनामाइट उन्होंने आविष्कार किया था तो मतलब यही यही सोच के किया था कि इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए माइनिंग पर्पज के लिए यूज होएगा कि मतलब माउंटेन्स वगैरह को तोड़ के वहाँ पे रोड कंस्ट्रक्ट की जाएगी माइंस माइंस वगैरह मतलब वहाँ पे कोयले के लिए और बाकी हीरे वगैरह डायमंड्स के लिए वो यूज़ होएगा वो डायनामाइट तोड़ के तो ये उन्होंने किया था पर लेकिन लोगों ने उसको एज ए मतलब वेपन यूज़ किया एज ए मतलब वॉर में यूज़ किया बॉम्ब के तरीके से तो काफ़ी उनकी क्रिटिसिज्म हुई तो इसी के लिए जब मतलब एक बार उनके ब्रदर की डेथ हो जाती है और कन्फ्यूजन में जो न्यूज़ न्यूज़ मीडिया होता है या जो वहाँ के न्यूज़पेपर वाले न्यूज़ एजेंसीज होती है उनको ये लगता है कि उनकी डेथ होगी और वो एक ऑब्यूट्री एक तरह से आर्टिकल छापते हैं न्यूज़पेपर में कि द मर्चेंट ऑफ द डेथ मतलब जो मौत का सौदागर था और मौत का व्यापारी था वो एक तरह से मर गया द मर्जन ऑफ द डेथ इज डेड तो ये एल्फर्ड नोबल जब देखते हैं तो उनको ये लगता है कि मैंने इतना कुछ किया इतना पैसा कमाया तो वो कुछ इस काम किसी काम का नहीं है कि मतलब मेरी जब इमेज ही ऐसी बन गई है कि मतलब मौत का सौदागर कहा जाता है तो उन्होंने अपने डिसाइड किया कि वो अपनी एक ऐसी विल बनाएंगे और उसमें उन लोगों को मतलब एज ए प्राइज मनी देंगे उनको रिकग्निइजेशन रिकग्नाइजेशन देंगे जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया हो ह्यूमैनिटी के लिए और मैन के लिए तो ये सारी स्टोरी थी वो मैंने सारी बायोग्राफी में कवर किया पूरी स्टोरी देख सकते हो वो पहला पार्ट है या सेकंड पार्ट है तो इसमें एग्जाम के पर्पज पर से सब कुछ कवर करेंगे तो ये आप इनकी बिल देख सकते हैं अब इन, इसी बिल में इन्होंने जो मेन सबसे ज्यादा माना वो जो मेन इन्होंने हाईलाइट किया था वो बनाया था नोबल फाउंडेशन ये उनका लोगो है आप अच्छे से देख लीजिए ठीक है तो नोबल फाउंडेशन बनाने का मेन पीछे मकसद यही था कि यही सारा कुछ मैनेज करेगा फाइनेंस जो भी आपके आगे नोबल प्राइजेस बनेंगे तो उन्होंने डिसाइड किया कि अलग अलग फील्ड में मैं नोबल प्राइज दूंगा उन लोगों को जो उन्होंने अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम किया जो ह्यूमैनिटी के लिए बहुत अच्छा सर्व करेगा आगे जाके ठीक है तो इसमें तो क्वेश्चन बस यही बनता है कि आपका ये कब फाउंड हुआ तो आपको तो तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये नाइन्टीज में फाउंड हुआ है ठीक है तो नाइन्टीज़ीजीज में ये फाउंड हुआ तो आपको ये याद रखना है नाइन्टीज नाइन्टीज में फाउंड हुआ तो उसके बाद नोबल प्राइज आपके नाइन्टी जीरो वन से लेके अभी तक टू थाउजेंड नाइनटीन तक डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं और टोटल अभी तक जो आपके मतलब नोबल प्राइज़ हैं वो 597 डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं और टोटल लोगों को 950 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं और एक प्राइज़ मैक्सिमम तीन लोगों को मिल सकता है और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को भी मिल सकता है वो एक कैटेगरी में मिलता है पीस की कैटेगरी में मिलता है वो सारा कुछ हम डिस्कस आगे करेंगे आगे फर्दर टॉपिक में जाएंगे ठीक है तो इसमें बस आपको ये याद रखना है कि जैसे इन्हें हो गए नाइनटीन में ये नाइनटीन मतलब उन्नीस में, में इसकी स्थापना हुई तो कहाँ पर होती है स्टॉक होम में स्वीडन में ठीक है बस यही चीज़ें है और उसके बाद एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो नाइन्टी जो उनके आ, इनकी टोटल एसिड थी थर्टी वन मिलियन स्वीडिश क्रोनर मिलता है तो एस ई के होता है स्वीडिश क्रोनर का तो उनको एक्चुअली जो आपको मिलती हैं चीज़ें वो तीन चीज़ें मिलती हैं सबसे पहले एक मेडल मिलेगा एक डिप्लोमा मिलेगा और कैश प्राइज मिलेगा जो कैश प्राइज़ होता है वो होता है स्वीडिश क्रोनर एस ई के ठीक है और जो ये होता है ना ये आपको हमेशा चेक करना पड़ेगा करेंट में क्योंकि हमेशा चेंज होता रहता है कभी दस मिलियन मिल गया कभी नाइन मिलियन कभी एट मिलियन तो ये सब चीज़ें चेंज होती है ये आपको देखना पड़ेगा ठीक है ओके चलो आगे चलते हैं उसके बाद जी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे जैसे अलग अलग फील्ड बता रखिये कि किस किस फील्ड में आप बहुत अच्छा उत्तम कार्य करता है तब जाके एक नोबल प्राइज लेने के हकदार हो जाते हैं तो यहाँ पे आपको टोटल छह फील्ड दिख रही होगी उसमें दो चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी सबसे पहले यहाँ पे पीस दिख रहा होगा अब जितने भी टोटल जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री लिटरेचर मेडिसिन जिसको फिजियोलॉजी भी कहा जाता है और इकोनॉमिक साइंस ये सबको मिलता है कहाँ पे स्वीडन में ठीक है और उसका एक लॉ था जो आपका पीस है ठीक है पीस जो शांति का ये मिलता है औसलो में औसलो नॉर्वे ठीक है नॉर्वे में मिलता है ठीक है ये चीज आपको याद रखना है ठीक है इसमें और एक और चीज इसमें आ जाती है कि आपको एक और एक और इसमें चीज क्या याद रखनी है इकोनॉमिक साइंस ठीक है तो इन सारे सब्जेक्ट में भी आपके मतलब अलग अलग जो इनके वो मिले अलग अलग जो इनकी कैटेगरीज हैं या अलग अलग जो इनकी फील्ड है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये बन जाता है पीस तो वो अलग जगह मिलता है वो नॉर्वे में ओस्लो में और इकोनॉमिक साइंस भी अलग इसलिए हो जाता है क्योंकि वो 1968 में स्टार्ट हुआ था ठीक है के बैंक एक रिस्क बैंक है जो हमारे उधर का था तो उन्होंने स्टार्ट किया में फाउंड हुआ था और 1969 से डिस्ट्रीब्यूट करने लगे थे तो ये क्वेश्चन आएगा आगे स्लाइड लगा रखी है हम आगे देखेंगे ठीक है चलो आगे है तो फिर उसके बाद ये क्वेश्चन है कि क्या क्या चीजें मिलती हैं क्वेश्चन में फिर ये है कि सबसे पहले एक मेडल मिलेगा एक डिप्लोमा मिलेगा और अवार्ड मनी मिलेगी अवार्ड मनी हर साल चेंज होती रहती है वो एक स्टैग नहीं है मतलब एक तरह से फिक्स नहीं है तो वो अलग अलग साल चेंज होते हर साल आपको देखनी पड़ेगी क्या है तो कभी कभी ये भी डीप में क्वेश्चन आता है कि जो मेडल मिलता है वो किस चीज़ का बना होता है क्या होता है तो ये 18 कैरेट ग्रीन प्लेटेड होता है उसमें 24 कैरेट गोल्ड जड़ा होता है फिर उसके बाद टोटल का वेट होता है 175 ग्राम 2.2.6 इंच इंची डायमीटर होता है ठीक है तो इतना डीप में भी क्वेश्चन आता है तो वो देखें अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है लोगों को यही नहीं पता कौन डिस्ट्रीब्यूट करता कौन इसके पीछे कैसे इसको सिलेक्ट किया जाता कौन नॉमिनी करता तो ये मैंने सबसे मेन चीज बनाई वो कहीं भी ये चीज नहीं मिलेगी बहुत रेयर ही मिलेगी आपको वीडियो में ठीक है तो इसमें कुछ नोबल मैंने नोबल कमिटीज बनी हुई है अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेके चलिए मैं क्लास में एंटर हुआ ठीक है और मैंने क्लास में जो मैडम पढ़ा रही है या जैसे कि मान के चाहिए एक प्रिंसिपल है वो क्लास में एंटर होता तो है उस टाइम मैडम टीच कर रही है इंग्लिश की मैम टीच कर रही है और इंग्लिश वाली मैडम से वो पूछ रहा है कि मैम आपकी क्लास में स्पोर्ट्स में कौन अच्छा है या आपकी क्लास में मैथ में कौन अच्छा है तो इंग्लिश की टीचर तो जवाब नहीं दे पाए हुए क्योंकि सर मैं इसे तो इंग्लिश का पूछ मुझे तो इंग्लिश का पता है इंग्लिश फील्ड पढ़ाती हूँ और इंग्लिश फील्ड में ही मैम नॉलेज है मुझे मुझे पता कौन कितना है ठीक है मेरी क्लास में तो यही चीज़ है तो अलग अलग कमेटी बना रखी है वो एक अपने पर्टिकुलर फील्ड में वो मतलब वो काम करते हैं और अपने पर्टिकुलर फील्ड में जानते हैं कि कौन इसका नॉमिनी अच्छा होगा किसको दिया जा सकता है किसको क्या किसने फील्ड में क्या उत्तम कार्य किया है तो यही बना हुआ है तो जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सबसे पहली कमेटी रॉयल स्वीडिश अकेडमी ठीक है रॉयल स्वीडिश अकेडमी इसको ये किस चीज में देती है फिजिक्स और केमिस्ट्री में देती है ठीक है दो चीजें कवर करती है दो फील्ड कवर कर रही है देख लो यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री ठीक है उसके बाद अगली है ये है कैरो इंस्टीट्यूट यह किसको देती है यह देती है फिजियोलॉजी या मेडिसिन मेडिसन यानी उसको मेडिसिन कह दिया जाता है तो मेडिसिन में देती है ठीक है चलिए आगे चलिए उसके बाद अगला क्या देखिए उसके बाद है यहाँ पे स्वीडिश एकेडमी ये किस में देती है लिटरेचर में नोबल कमेटी फॉर लिटरेचर इज लोकेटेड है स्वीडिश कमेटी तो ये लिटरेचर पे देती है उसके बाद यह बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है नॉर्वे नोबेल कमेटी अब नॉर्वे आपको नॉर्वे ने बताया था ना ओस्लो नॉर्वे पीस का काम मिलता है नॉर्वे में तो यह कमेटी कहां पर है नॉर्वे में है ठीक है तो वो देती है ठीक है आपको याद रखना दिमाग में ये चीजें याद रखने है। ये कमेटी कहा कितनी है कहावे कमेटी ठीक है नॉर्वे नोबल कमेटी इज पे एक वर्ड होता है लॉरेट्स लॉरेट्स उनको कहा जाता जो एक हाई प्राइस ले रहे है हाई प्राइस रहे हैं, उनको लॉरेट्स कहा जाता है जनरली जो हाई एक रिकॉग्नाइजेशन गेन करने वाले हैं गेन कर चुके हैं ठीक है अब उसके बाद देखो यहाँ पे एक और चीज आ जाती है ये जो कमेटी है ये जो पर्टिकुलर इसका क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि इसको फाउंड कौन करते को इसको जो फाउंड करते नॉर्वेन पार्लियामेंट के लोग ही फाउंड करते हैं वहाँ के नार्वे के जो पार्लियामेंट के लोग हैं वही फाउंड करते हैं वो पांच है, है, मेंबर की एक कमेटी बनाते हैं तो जैसे अपना दिगविता होगा फाइव मेंबर की कमेटी बनाते हैं वो कहते है, तो तुम मतलब उन मेंबर की कमेटी बना के वो तुम डिसाइड करो कौन नॉमिनी हो सकता है कि उसको मिलने मतलब कौन इसका हकदार है इस साल का पीस प्राइज का तो ये चीज़ें सारे डिसाइड करते हैं ठीक है पर इन पर थोड़ी क्रिटिसिज्म ये भी होती है कि पार्लियामेंट के लोग हैं और सरकारी लोग हैं तो कुछ सरकारी हस्तक्षेप भी होता है तो थोड़ी पार्शलिटी भी हो सकती है तो ये चीज़ें चलती रहती हैं तो ये हम बाद में कभी बात करेंगे अब एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है 1968 आपको मैंने क्या बताया था जो इकोनॉमिक्स का मिलता है जो इकोनॉमिक साइंस कहा जाता है तो वो 1968 में बाद में स्टार्ट हुआ था क्वेश्चन ये आता है कि पहले कौन कौन सी फील्ड में मिलता था तो उसके बाद कौन से फील्ड एंटर बाद में हुई है अलग से तो वो इकोनॉमिक्स एंटर हुई है नाइनटीन में ठीक है तो वहां का सेंट्रल बैंक है यहाँ पे सिवरिक्स रिस्क बैंक का है, बैंक का सेंट्रल है स्वीडन का अब वो कहते हैं कि भाई एल्फर्ट नोबल की मेमोरी में, में हम भी एक इकोनॉमिक्स में देना चाहते हैं इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी चीज है इकनॉमिक से भी एक तरह से देश का विकास हो सकता है उसको भी लोगों को बड़ी मैन कैंड की ह्यूमैनिटी की हेल्प हो सकती है तो अपने तीन सौ एनिवर्सरी में बैंक वाले कहते हैं कि आप ये ऐसा करो और नोबल फाउंडेशन वाले के पास है नोबल फाउंडेशन वही जो सारा कुछ प्राइस देखती है उनको डोनेशन देते हैं कहते हैं कि लो भाई तुम मेरे

चलो आगे चलते हैं और राय स्वीडिश अकेडमी फॉर साइंस ये इसकी कमेटी जो देती है ठीक है तो ये भी याद रखना ठीक है चलिए आगे अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एक पर्सन इनको दे रहा है ठीक है तो ये पर्सन बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये पर्सन कौन है ये कोई ऐसे वैसे पर्सन नहीं है स्वीडन के किंग है ठीक है स्वीडन के किंग है ये तो ये एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इनका नाम आपको बताता हूँ काल ट्वेंटी सिक्सथ गुस्ता ठीक है तो ये होता है ये देते स्वेडिंग अब कुछ इनसे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताता हूँ फिर हम आगे आगे स्लाइड पर चलेंगे ठीक है तो ये आपको दिख रहा होगा मलालाना यूसि उसके बाद क्लास क्लासियां अब पहली चीज ये है कि लोग ये पूछते हैं कि सर किसको मिलता है डेड को मिलता है या अलाइव लोगों को ही मिलता है तो पहले ये दोनों को मिलता था मतलब अगर वो पर्सन मर चुका है डेड हो चुका है या उसने बहुत अच्छा काम किया तो उसको मिलेगा और जो अलाइव है उसको मिलेगा पर नाइनटीन सेवनटी फोर में यह होता है कि वो डिसाइड करते नहीं यार अब नाइनटीन सेवनटी फोर में सिर्फ उन लोगों को दो जो सिर्फ अलाइव है डेड वालों को उन्होंने कैंसिल कर दिया काटा मार दिया उस पर नहीं अब डेड वालों को नहीं देना सर उन लोगों को देना जो अलाइव है जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया तो ये भी होता है ना कि लोग पिछले साल बहुत अच्छा

तो ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं पर इनको जो अनाउंस कर दिया जाता है एक ऑफिशियल तरीके से वो अक्टूबर में कर दिया जाता है अब मान के चलो कोई पर्सन एक्स है उसको अक्टूबर में मैंने अनाउंस कर दिया कि भाई तेरे को मिलेगा नोबल प्राइज वो खुश हो गया और इस खुशी में बेचारा नवंबर में दिसंबर मतलब के मतलब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब की डेट आने से पहले बेचारे को हार्ट अटैक आ गया वो एक्सपायर हो गया अनफॉर्चुनेटली तो क्या उसको प्राइस मिलेगा क्योंकि डेड को तो नहीं मिलता है हाँ उसको मिलेगा अगर वो बंदा प्रेजेंट है जब मैंने अनाउंस किया अक्टूबर में तो प्रेजेंट था नवंबर में बेचारे की डेथ हुई है तो उसको प्राइस मिलेगा समझो ये बात अक्टूबर में वो अनाउंस कर देते हैं और दिसंबर डिस्ट्रीब्यूट कर देगा अनाउंस के टाइम वो बंदा अलाइव है फिर तो मिलेगा ठीक है तो ये चीजें तो उसके बाद अब क्या है जैसे अब एक छोटी सी मैं चीज़ और बताता हूँ हमारे जो महात्मा गांधी है उनको पीस प्राइज के लिए बहुत बार नोमिनेट हुए थे बहुत नंबर ऑफ टाइम्स पर वो उस टाइम जो हमारे ब्रिटिश के थोड़ा प्रेशर करके इनको नहीं दिया गया ठीक है तो ये जी, फिर उसका मर गया तो फिर उनको काफी रिग्रेट हुआ कि हम हमकाशन को दे देते वो काफी बड़ी चीज थी ठीक है मेरे चाहते थोड़ा लेंथी हो जाएगा ये वीडियो ठीक है उसके बाद अब देखो क्या चीज़ें हैं कि ये मिल जाता है फिर पीस प्राइज आपको पता है नॉर्मल मैंने बता दिया है ठीक है अब ये पीस प्राइज बड़ा एक तरह से इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि मॉरली क्योंकि वो शांति के लिए काम कर रहे हैं अब जैसे साइंस के लिए केमिस्ट्री वगैरह इन सब चीज़ों में जो वर्क कर रहे हैं पर अगर शांति नहीं है तो क्या होगा तो ये एक तरह से मोरली बहुत वैल्यू वैल्यू माना जाता है ठीक है ठीक है अब एक और यहाँ पे मैं क्वेश्चन आते हैं आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे एक कैलाश हथियार थी और एक, आ, एक मलाला यूसुफ जी हैं जो कि मतलब यंगेस्ट रेसिपेंट है हमारे नोबल प्राइज़ के इनको सतारह साल की उम्र में हाँ सतारह साल की उम्र में इनको मिल गया था और कैलाश हथियार थे जिन्होंने बचपन बदाओ आंदोलन चलाया था हमारे इंडिया में जो मेरे चिल्ड्रंस और अलग अलग लोगों को वो करते थे जो मतलब चाइल्ड ट्रैफिकिंग वगैरह होता है उनकी हेल्प करते थे अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि मान के चले कि ऐसे मैंने एक पर एक नोबेल प्राइज है अब ये मैक्सिमम तीन लोगों को मिल सकता है पर तीन लोगों को कैसे मिलेगा मान के चलो प्राइज मनी अब याद रखना ये मेडल और डिप्लोमा तो सबको मिलेगा मेडल और डिप्लोमा तो सबको मिलेगा पर जो प्राइज मनी है वो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगी अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी ये नहीं कि तो वो पूरे तीन से भाग करके दे देंगे नहीं तीन से डिवाइड करके नहीं देंगे वो कमेटी जो दे रही है पर्टिकुलर चीज़ की वो डिसाइड करेगी किसको कितना मिलना है वो देखिए कि हां इस पर्टिकुलर चीज को बनाने में किसका ज्यादा दिमाग लगा किसने ज्यादा टाइम डोवेट किया तो वो होता है बाकी दो लोगों में अगर एक प्राइस बटना है वो तो फिर आधा आता ही बटेगा ठीक है तो ये चीज़ भी याद रखना है क्वेश्चन बन जाता है कि कैसे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट होता है ठीक है तो ठीक है आगे चलते हैं बाकी अब तो मैंने आपको ये बता ही दिया जैसे कि ये मतलब औसलों में नॉर्वे में एक अलग वो बनी हुई वहीं पे सिर्फ नोबल पीस प्राइज मिलता है ठीक है तो अब ये याद रखना कि मैंने आपको बताया था ना कि जो स्वीडन का होता है वो तो किंग देता है तो किंग है स्वीडन का पर जो नोबल पीस प्राइज है वो तो आपके नॉर्वे नोबेल कमेटी ही देती है पर किसकी प्रेजेंट में नॉर्वे की किंग या क्वीन की प्रेजेंट में देती कमेटी है याद रखना पर यहाँ पे तो किंग दे रहा है पर वहां पे आपकी कमेटी देती है प्रेजेंस किसकी होती है प्रेजेंस हमारे किंग या क्वीन की होती है जो टाइम नॉर्वे का चल रहा होता है ठीक है अब हम इसके मेन मेन क्वेश्चन पे आ जाते हैं सबसे पहले आपको यहाँ पे फोटो दिख रहे हो कि नाम भी दिख रहा होगा जो कि है मैडम मारी क्यूरी ठीक है अब मारी क्यूरी जो केमिस्ट्री वाले खुश हो गए होंगे हमें पता क्या है कि नहीं तो मैडम मारी क्यूरी को दो चीजों में नॉवल मिला दो बार नोवल मिला हुआ है ठीक है अलग अलग फील्ड में नहीं बस साइंस की फील्ड में मिला ठीक है तो इनके बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि कौन से ऐसे मतलब नोबेल विजेता है जिसने साइंस की अलग अलग फील्ड में नोबल प्राइज लिया है। तो इन्होंने किस-किस फील्ड में रेडियो एक्टिविटी उन्नीस सौ तीन में जैसे आपको आप दिख रहा होगा वन सेकेंड हाँ रेडियो एक्टिविटी उन्नीस में बनाया था उसके बाद उन्नीस में इन्होंने रेडियम बनाया था ठीक है रेडियम का आविष्कार किया था एक तरह से तो रेडियो एक्टिविटी इन्होंने जो किया था ये किया था हैंरी बकेरल के साथ ठीक है हैनरी बकेरल आपको यहाँ पे दिख रहे हो उनके साथ मिलके इन्होंने ये बनाया था शेयरिंग में ठीक है मिला था इनको और जो उनका रेडियम था रेडियम इनके हस्बैंड के साथ था ठीक है पैरिक्यूडी ठीक है तो ये चीज़ आपको याद रखना है ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन ऐसे मतलब विजेता जिसने साइंस की अलग अलग फील्ड में फिजिक्स और केमिस्ट्री में लिया तो वो मैरी हो जाती है और ओनली वुमेन इन वर्ल्ड इनको दो बार मिला ठीक है अब उसके बाद क्या है उसके बाद हमारे अगले पर्सन आता है जॉन बार्डीन ठीक है जॉन बार्डिन अब जॉन बार्डिन के साथ ये हो जाता है कि कौन सी साइंस की ऐसी फील्ड है जिसमें दो बार एक बंदे को मिला तो फिजिक्स में दो बार मिला ठीक है सबसे पहले इन्होंने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था ठीक है फिफ्टी सिक्स में उसके बाद सेवेंटी टू में क्या किया था इन्होंने इन्होंने सुपर कंडक्टिविटी किया था ठीक है सुपर कंडक्टिविटी तो बहुत लेंथी ना करते बस जल्दी जल्दी सुन लो बस ठीक है उसके बाद अगला पर्सन कौन होता है उसका होता है फेडरिक सेंगर इनको भी दो बार मिला ठीक है अब इनको दो बार किससे मिला केमिस्ट्री में ही दो बार मिला ठीक है पहले इन्होंने इंसुलिन का किया था ठीक है इंसुलिन में स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बनाया था और दूसरा इन्होंने किया था डीएनए ठीक है एक्साइड न्यूक्लियर एसिड जो होता है ठीक है को तो उसकी फुल फॉर्म भी क्योंकि दिमाग से हो जाती है डाइऑक्साइड अजीब सा नाम है उसका मेरे ख्याल से क्या तो था डाइ ऑक्साइड एक्सोब्लाइक एसिड एसिडी कुछ था ठीक है तो मुझे भी भूल गया था उसके बाद देखिए आगे क्या है आगे जो तो पर्सन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वो है लीनियस कार पॉलिंग ठीक है अब ये चीज आप याद रखना कि ये शेयरिंग में मिला है कि अकेला मिला ठीक है ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि उसके डीप में क्वेश्चन आ जाता है तो यहाँ पे आपको नाम दिख रहा होगा एल पॉलिंग ठीक है लीनियस पॉलिंग कार पॉलिंग लीनियस एल पॉलिंग सीधा ठीक है तो इन्हों को दो चीजों में मिला केमिस्ट्री में और पीस में केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्ड में मिला और पीस में मिला है ना न्यूक्लियर वेपन के लिए इन्होंने कुछ किया था ठीक है तो ये चीज मिला था पर इसमें जो मेन चीज बन जाती है वो है ये चीज पढ़ने वाली अनशेर्ड नोबेल प्राइज्ली पर्सन है कि ओनली पर्सन विच है नाम किसका आएगा एल पॉलिंग ठीक है लीनस पॉलिंग तो ये पर्सन को अच्छे से कर, नाम देख लो शकल देख लो इनको एक लौते हैं है जिनको अलग अलग, अलग फील्ड में प्राइज मिला और वो है अनशेयर्ड मतलब अनशेयर किसी और शेयर किया खुद अकेला जाके नोबल प्राइज देख आया तो एक था पहले 1954 में केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्ड और पीस का 1962 में न्यूक्लियर वेपन का ठीक है तो याद रखना ये ठीक है थीके? अब उसके बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि लोगों को मिलेगा मिल सकता है तो ऑर्गेनाइजेशन को मिल सकता है तो इनको मिला हुआ है अब ये इनको क्यों मिला कि इन्होंने पता कि अलग अलग वॉर हुई थी इतना कुछ हुआ था तो इन्होंने बहुत अच्छा सर्व किया था उन्नीस सौ सत्तारह में पर दिख रहा होगा नाइनटीन सेवन फोर्टी इनको यहाँ पे पीस प्राइज मिला है याद रखना सिर्फ सिर्फ एक लौता पीस प्राइज है जो एक अलग है ठीक है चीजें याद रखो पीस प्राइज से अलग है वो अलग जगह मिलता है नॉर्वे में ओस्लो में और यही एक लौता प्राइज है जो ऑर्गेनाइजेशन को मिल सकता है अगर आप इंडिविजुअल तब भी आपको मिलेगा अगर आप ऑर्गेनाइजेशन और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पीस के लिए शांति के लिए तो आपको मिल सकता है ठीक है तो पीस प्राइस पे अलग किसका नाम था याद रखना रेड क्रॉस का ठीक है जो हमारे हॉस्पिटैलिटी की मतलब हॉस्पिटैलिटी ना मतलब इधर ट्रीटमेंट करती है ठीक है उसके बाद अगला अपना यू तो यूनाइटेड नेशन की ये वो है हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजी ठीक है तो इन्होंने भी बहुत काम करता है रेफ्यूजी को जो अलग अलग जगह से आते है रेफ्यूजी कौन होता है जो एक देश से दूसरे देश में जा रहा है ठीक है जैसे कि बांग्ला बंटवारा हो गया अब कुछ लोग इधर उधर रह जाते हैं इधर के हुए ना पाकिस्तान के हुए ना हिंदुस्तान के हुए तो वो रेफ्यूजी के तौर पर धीरे धीरे दूसरे में शरण ले, ले लेते हैं दूसरे देश में बांग्लादेश से भी लोग आते हैं वो तो है तो ये क्या करता है यू एन एस सी आर की इंटरनेशनल प्रोटेक्शन देता है रेफ्यूजी को उनको परमानेंट सोल्यूशन देता है कि हाँ उनको परमानेंट सोल्यूशन देते हैं कि हाँ तुम्हारा पक्का हम कुछ करा के देंगे तुम्हें तो कहीं ना कहीं पक्का जगह लेके देंगे और इंटरनेशनल रिफ्यूज़ के जो लॉ होते हैं अच्छा उनके लिए ट्रीटमेंट करने का सब कुछ उसका काम करता है तो उनको मिला हुआ है ठीक है और ये क्वेश्चन मुझे कम मिला था फिफ्टी एंड एटी में ठीक है चलो अब यहां पे एक और चीज है आती है कि मै ऐसा कौन सा परिवार है ऐसी कौन सी फैमिली जिसमें सबसे ज्यादा नोबल प्राइज बंदे हैं तो इसमें आपको दिख रहे होंगे मैडम आरी क्यूरी है इनके हस्बैंड पैरी क्यूरी और इनकी बेटी जो हाथ में आपको दिख रही होंगी इनके मतलब गोद में है डॉटर इराना जोलेट क्यूरी ठीक है तो इनको भी केमिस्ट्री मिला था और इनके जो मतलब इनके जो बेटी के वो थे आ, मतलब जो एक तरह से सन इन लॉ हुए हैं मैडम आरी क्यूरी पैरी क्यूरी के उनको भी मिला था ठीक है उनको भी केमिस्ट्री में मिला था तो ये सारी चीज़ें इनकी फैमिली है देख लीजिए फैमिली में भी सबसे ज़्यादा नोबल प्राइज चार नोबल प्राइज है ठीक है इनकी फैमिली में ठीक है चलो आगे चलते हैं अब आ जाता है पहला क्वेश्चन कि सबसे यंग कौन है जिनको नोबेल प्राइज मिला आज के टाइम में तो ये आपको दिखाओ मलाला यूसुफ जही तो इनकी भी एक बड़ी अच्छी स्टोरी है कि इन्होंने ये स्कूल वगैरह जाती थी अपने पाकिस्तान में इनके फादर का स्कूल था बहुत सारे स्कूल थे इनके तो फिर वहाँ पर तालिबान आकर इनको मना कर देते थे कि यहाँ पे कोई लड़की पढ़ेगी नहीं तो क्या करते है क्या हम तो पढ़ेंगे आराम से बस में जा रहे होते फिर तालिबानी घुस जाते इनके बस में पूछते कि भाई कौन को तो फिर सारे बच्चे दिखने जाते हैं मलाल को वो या फिर वो शूट कर देते हैं इनके मतलब हेड पर शूट कर देते हैं तो इस कल में गोली वगैरह फंस जाते फिर इनके ट्रीटमेंट वगैरह होता है कोम में काफ़ी टाइम तक रहते हैं तो उनके बाद इनको मतलब काफी लैम लाइट में आ जाते फिर फिर इनको जाकर सतारह साल की उम्र से होता कम उम्र में ये भी याद रखना कब मिला था इनको सतरह साल की उम्र में मिला था ठीक है इनको दो हज़ार चौदह में क्लास हथियार्थी के साथ ठीक है इंडिया के तो इनको नोबल पीस प्राइज मिलते हैं ठीक है उसके बाद पूछा जाता सबसे वो कौन है बुजुर्ग कौन है जिनको नोबल पीस प्राइज मिला था तो ये मैं आपको नाम दिख ही रहा होगा नाइन्टी की उम्र में मिला था इनको केमिस्ट्री में ठीक है केमस्ट्री मिला था ना हाँ केमिस्ट्री में मिला था उसके बाद ठीक है इनका नाम किया जॉन गुड ठीक है तो इनको मिला था अब सबसे बड़े क्वेश्चन हमारे जो को याद होना चाहिए कि इंडिया में किनको मिला ठीक है आपको फोटो दिख रहा होगा आपको नाम और इनकी डेट याद होनी चाहिए जैसे 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर फिर 1930 में सीवी रमन फिर 68 में हरगोबिंद खुराना जिनको मेडिसिन में मिला था फिर सेवेंटी नाइन मदर टेरिसा जिन्होंने इंडिया की सिटीजनशिप ले ली थी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था उसके बाद आपके अगले दिख रहे होंगे चंद्रशेखर ठीक है जो सी रमन के नेफ्यू थे उसके बाद अगला है अमृत्य सेन जो इकोनॉमिक्स में मिला था फिर बैंक है रामाकृष्णा फिर कैलाश हथियार दो हजार चौदह प्राइज मिला था और हाल में दो हजार उन्नीस में अभिजीत बैनर्जी को मिला था इनकी साथ में इनकी वाइफ को भी मिला था तो उनका नाम एंड था कुछ करके नाम था मेरे को नाम थोड़ा स्किप हो गया ठीक है एंथर डफलू करके नाम था ठीक है तो ये सब आपको मैं बता देता हूँ रविंद्रनाथ टागोर को किन के लिए मिला था उनको अपनी गीतांजलि के लिए मिला था लिटरेचर में उन्नीस में फिर चंद्र चंद्रशेखर थे जो सी वी रमन वेंकट रमन तो उनको किसके लिए मिला था उनको रमन इफेक्ट के लिए मिला था स्कैटरिंग ऑफ लाइट की निकाली थी उन्होंने ठीक है हर गोविंद खुराना को मिला था मेडिसन में ठीक है नाइनटीन में जो ह्यूमन जेनेटिक कोड इन्होंने निकाला था बहुत फेमस हुए थे ये प्रोटीन सिंथेस का ठीक है उसके बाद मदर टेरिस आपको पता है ये इन्होंने इंडिया की सिटीजनशिप ले ली थी न्यूट्रलाइज न्यूचुरइज सिटीजन बन गई थी इंडिया की ठीक है तो इन्होंने बहुत सारे फाउंडेशन वाले काम किए थे इनको ये, कहीं और के सिटीजन थे फिर इंडिया की ले लेते तो इसलिए को माना जाता है ठीक है तो ये चीजें इन्होंने मतलब कलकत्ता बड़ा काम किया था बाकी एक वर्ड आपको दिख रहा होगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताया होता क्या है ठीक है बीमारी होती है कमी देखी जाती है उसके बाद आपको सुब्रमण्य चंद्रशेखर है ठीक है जो मतलब नेफ्यू हैं तो इनको नोबल प्राइज मिला फिजिक्स के अंदर तो आपको याद रखना किनको मिला था किस मतलब कैटेगरी किस उसमें मिला था फील्ड में उसका अमरत्य सेन इनको इकोनॉमिक्स से में मिला था ठीक है बाकी चंद्रशेखर आपने बताइए थे मैंने टॉप स्टार इन्होंने निकाला था बाकी उसके बाद डॉक्टर वेंकट रमन मिला था इनको शेयरिंग प्राइस मिला था दो लोग और थे इसराइल के ठीक है एक इसराइल के बैपिकसेंट ठीक है उसके बाद आपका क्लास अथ्यार्थियों को मिला था किन के साथ मिला था मलाला यूसुफ जाए को तो अब क्लास हथियार के बारे में थोड़ा बता देता हूँ क्लास अथ्यार्थियों ने बहुत लोगों के लिए काम मतलब बच्चों के लिए काम किया मोस्टली बचपन बजाओ आंदोलन ये याद रखना बचपन बजाओ आंदोलन करके इन्होंने एक वो स्टार्ट किया था उसमें करते हैं और उसके करंट में अभिजीत बैनर्जी को मिला है एस्टा डफलो हाँ एस्टा डफलो इनके पत्नी इनकी वाइफ आपको दिख रही होगी जो अमेरिका के बिस्टिट्यूट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में वो कर रहे मतलब अपनी रिसर्च कर रहे हैं बाकी एक और है माइकल क्रैम्बर ठीक है तो बस यही है बाकी मैं सोच रहा था कि उनके भी कवर करूँ जो करंट में भी हुए दो हज़ार उन्नीस में तो मैं अगले उसमें करूँगा वीडियो काफ़ी लेंथी होगी थैंक यू फॉर योर पेशेंट प्लीज़ वॉट द फर्स्ट पार्ट ऑल्सो